दुनिया में क्यों बढ़ने लगे फिर से कोरोना के केस, दुनिया की परेशानी में चीन क्यों ढूंढ रहा है वैक्सीन बेचने का धंधा, देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 38,696 नए केस आए हैं। वहीं इस दौरान 40,020 मरीज रिकवर भी हुए। एक दिन में महामारी ने 616 और लोगों की जान ले ली। अभी भी देश में कोरोना के एक्टिव केस 4,00,000 के ऊपर कायम है। महाराष्ट्र में एक दिन पहले अचानक केस बढ़े थे, लेकिन राहत की बात यह है कि एक बार फिर राज्य में 5,500 के करीब केस आए हैं। केरल लगातार कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में सबसे ऊपर बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में राज्य में फिर से करीब 20,000 नए केस आए हैं। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे थे कि कहीं केरल में कोरोना का कोई नया वेरिएंट तो नहीं सामने आया, लेकिन इन सवालों को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार केरल में कोरोना वायरस के मामले जरूर बढ़े हैं, लेकिन कोई भी नया कोविड वेरिएंट इसके पीछे वजह नहीं है। दुनिया में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 70.48 लाख नए मामले सामने आए। ये 84 दिनों में सबसे ज्यादा हैं। इससे पहले आखिरी बार इसी साल 14 मई को 70.16 लाख लोगों के रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं 24 घंटे में 46.84 लाख मरीजों ने इस बीमारी को मात दे दी थी, जबकि 10,392 लोगों की इससे जान चली गई थी। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद पूनावाला ने कहा कि उनकी कंपनी अक्टूबर के पहले हफ्ते तक 12 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लॉन्च कर देगी। उन्होंने ये भी भरोसा दिया कि सीरम के सामने कोई वित्तीय परेशानी नहीं है, भारत सरकार भरपूर सहयोग दे रही है। सिर्फ एक डोज वाली एक और वैक्सीन को भारत में जल्द मंजूरी मिल सकती है। अमेरिकी फर्म कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने भारत में सिंगल डोज वाली कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। अगर मंजूरी मिल गई तो इसे भारत में कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। ये टीका 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को दिया जा सकता है। चीन अब दुनिया भर में वैक्सीन एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि इस साल उनका देश दुनिया के अलग अलग देशों में 2 अरब डोज सप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। डेल्टा वेरिएंट के केस तेज से बढ़ने के बाद दुनिया भर में वैक्सीन की डिमांड बढ़ी है, और ऐसे में अब चीन वैक्सीन मार्केट में दबदबा बनाने की योजना बना रहा है। दिल्ली में स्कूल खोलने को लेकर कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए दिल्ली सरकार की एक कमेटी सारी स्थितियों की छानबीन करेगी। कमेटी में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। इनकी जिम्मेदारी स्कूलों के लिए SOP बनाने, उसका पालन कराने और लागू करने के लिए स्कूलों की तैयारी पर सुझाव देना होगा। देश में 12 राज्यों ने कहा है कि उनके यहाँ किसी भी कोरोना मरीज की ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई, जबकि एक राज्य पंजाब ने केंद्र को जवाब में 4 मरीजों की संदिग्ध मौत माना है। अब तक 13 राज्यों का जवाब स्वास्थ्य मंत्रालय को मिला है। माना जा रहा है कि इसी सत्र के आखिर तक स्वास्थ्य मंत्रालय सभी राज्यों के आंकड़े कलेक्ट कर संसद में रखेगा। जिन राज्यों ने ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत न होने की बात कही है, उनमें ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, असम, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, त्रिपुरा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। दरअसल इससे पहले संसद में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि देश में किसी की भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। इसके बाद विपक्षी दल ने इस पर खूब हंगामा किया था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।